चलिए दोस्तों, तो आज हम इस लेक्चर में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पंचवर्षीय योजना जो हुई 1951 से लागू हुई, और ये लागू की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति वो थे, प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो तभी से चालू हुई। ठीक, आपको बता दें वो ये पंचवर्षीय योजनाएं चली 2017 तक चलेंगी, लेकिन योजना आयोग को हटा के 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ले आया गया है अब नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए तो हम इसमें देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना के लक्ष्य थे शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। इसके साथ साथ योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, अब हमारी दूसरी, आपको बता दें कि ये बनी। ठीक है, दूसरी हमारी, चलिए जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये 56 से 61, ये थी प्रोफेसर पी सी महान महाल नोबिस के मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना में लक्ष्य उद्योगीकरण मुख्य लक्ष्य था। इसके लिए भारी और मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। इन मूल महत्व के उद्योगों, लोहे इस्पात, आलोय धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो 1961 से 66। तीसरी योजना अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना मुख्य इसका लक्ष्य था। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परंतु इसके साथ साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया, जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। आपको बता दें कि इसके बीच अब चौथी पंचवर्षीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, 1966 से 67, 1967 से 68 से 69। तो वर्ष 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध से पैदा हुई स्थिति, 2 साल तक लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का उन्मूलन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई, इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के रूप के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ठीक है, अब आई चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी 1969 से 74। इसका मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। चौथी योजना में राष्ट्रीय आय की 5.5% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ जोड़ा गया था। ठीक है, पांचवी है जो पंचवर्षीय योजना 1974 से 85। ठीक है, 85 तक चलिए। इसमें दो मुख्य उद्देश्य तथा गरीबी की समाप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण, उद्देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई थी। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही पांचवी योजना को समाप्त कर दिया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना आई 1980 से 85। छठी योजना दो बार तैयार हो गई थी। ठीक है, जनता पार्टी द्वारा 1978 से 83 की अवधि हेतु और अनवरत योजना बनाई गई थी। गई छठी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार, ऋण, जन उपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले कुटीर लघु उद्योगों का बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा न्यूनतम आय वर्गों के आय बढ़ाना था। परंतु जब कांग्रेस सरकार ने नई छठी योजना
1985 80 से 85 तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या को सीधा प्रहार करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना आई जो 1985 से 90, सातवीं योजना में खाद्यान्न में वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार, उत्पादकों को बढ़ाने वाली नीतियां एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 57 से 97 तक चली। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना 2 बार देर से प्रारंभ हुई थी। आठवीं योजना का विस्तरण उस समय स्वीकार किया गया था जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे भुगतान संतुलन का संकट, बढ़ता हुआ ऋण भार, लगातार बढ़ता बजट घाटा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और उद्योग में पितिसार। नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों को भी जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था में प्रदान की जा रही आठवीं योजना का मूल उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना आई जो हमारी आई है 1957 से 2097 से 2002 तक, इसमें विकास का 15 वर्षीय परिवेश शामिल किया गया था। नौवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समानता। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर निगरानी की व्यवस्था की गई थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 थी। जीडीपी वृद्धि पर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10% पर बरकरार रखना, ताकि 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना आई 2012 से 2017 तक। 12वीं योजना राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली थी। भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 से हो गया था। इसके प्रमुख लक्ष्य देख लेते हैं। 12वीं के वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8% था। और इसके बाद बता दें, योजना के अप्रोच पेपर पर यह 9% निर्धारित किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2012 में घटाकर 8.2% किया गया था, जिसे योजना की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने घटाकर 8% कर दिया गया था। कृषि क्षेत्र में 8% व विनिर्माण क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। योजना में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों के सृजन के लक्ष्य, योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात में से नीचे की जनसंख्या के प्रति शत में पूर्ण आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी लाना लक्ष्य था। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 20 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1% प्रति हजार जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात को 950 करने का लक्ष्य था। इस योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक आर्थिक संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% तक लाने का लक्ष्य था। योजना के अंत तक सभी गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना था। योजना के अंत तक सभी गांव में विद्युतीकरण था। गांव ग्रामीण क्षेत्र में टेली डिसेंटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब निर्धनता और बेरोजगारी देख लेते हैं। निर्धनता से आशय उस सामाजिक क्रिया से जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। विश्व बैंक के अनुसार जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से कम है, वह निर्धन माना जाएगा। निर्धनता योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोफेसर डी टी लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह की नियुक्ति की, जिसने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपयोग को आधार बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपयोग को उपभोग को आधार माना। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन CBS मिन्हास ने किया था। उन्होंने 1956 57 तथा 67 68 के बीच ग्रामों में के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए। ग्रामीण जनसंख्या का लगभग
41.8% शहरी जनसंख्या का 25.7% भाग गरीबी के नीचे था, गरीबी में था। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट गरीबों का आकलन 37.2% बताती है। देश में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में 53.5%, देश में सबसे कम गरीबी हिमाचल प्रदेश में 9.5% है, जिसके बाद केरल 12% दूसरे नंबर पर। देश में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। देश में निर्धनता अनुपात का आकलन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के माध्यम से किया जाता है। बेरोजगारी की बात कर लें तो बेरोजगारी से ऐसा एक ऐसी स्थिति से है जहाँ देश में कार्य करने वाली वाली जनशक्ति अधिक होती है और काम करने पर राजी भी होते हैं, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूर दर पर कार्य नहीं मिल पाता है। भारत में बेरोजगारी की बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी भी है भारत में, शिक्षित बेरोजगारी, आदर्श बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी सम्मिलित है। प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार का कार्यक्रम देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया 1952 में, इसका उद्देश्य था देश राष्ट्र का समग्र विकास करना। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई 2 अक्टूबर 1993 में, इसका उद्देश्य था उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में 7 लाख लघुत्तर इकाइयां स्थापित करके 10 लाख से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना। फिर आई हमारी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 में, इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण योजना। अन्नपूर्णा योजना आई 19 मार्च 1989 में, इसका उद्देश्य था वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज। फिर आई समग्र आवास योजना 1999 में, इसका उद्देश्य था बेहद गैर योजना। फिर आई हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में, इसका उद्देश्य था सामूहिक प्रयास पर बल, सहायता प्राप्त गरीब व्यक्तियों को 3 वर्ष में बीपीएल के ऊपर लाना। इसमें 6 कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया था। इसमें शामिल था IRDP, ट्राइसम, DWCRA, सिट्रा, MWS, GKY। जनश्री बीमा योजना आई 10 अगस्त 2000 में, इसका उद्देश्य था बीपीएल लोगों को बीमा सुरक्षा कवच देना। ठीक है, अब देखते हैं जनश्री हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई 2001 में, ग्रामों, इसका उद्देश्य था ग्रामों का समग्र विकास करना। अंत्योदय अन्न योजना आई 25 दिसंबर 2000 में, इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों के सर्वाधिक गरीबों को अनाज 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया जनवरी 2001 में, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों के काम के बदले अनाज का निःशुल्क आवंटन करना, गेहूं व चावल। आसर बीमा योजना आई जून 2001 में, इसका उद्देश्य था रोजगार छोटे कर्मचारियों को सुरक्षा कवच देना, प्रदान करना। फिर आई हमारी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जुलाई 2001 में, इसका उद्देश्य था कृषि श्रमिकों को LIC के सहयोग से सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई 15 अगस्त 2001 में, इसका उद्देश्य था रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को इसमें मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन कराना व खाद्यान्न उपलब्ध कराना। फिर आई हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 15 अगस्त 2001 में, समुचित गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर आई शिक्षा अंगलीय शिक्षा सहयोग योजना 2001-02 में, इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को बच्चों को 8वीं से आगे की शिक्षा जारी करने हेतु आर्थिक सहायता करना। अगली हमारी वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में आई, इसका उद्देश्य था शहरी स्लम आबादी को स्वच्छ आवास उपलब्ध कराना। अगली है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आई, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक 8वीं से आगे की शिक्षा जारी करने हेतु आर्थिक सहायता। अगली है संकट हरण बीमा योजना 30 सितंबर 2001 में आई, इसका उद्देश्य था कृषकों के लिए
सामाजिक सुरक्षा योजना, अंग्लियस सोजल धारा योजना 25 दिसंबर 2002 में आई। इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुएं, बावड़ी व हैंडपंप लगाने की सुविधा उपलब्ध कराना। फिर अगली निर्मल भारत योजना 15 अगस्त 2000 में आई, दो में आई है। इसका उद्देश्य था मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों की सुरक्षा सुविधा का विस्तार। अगली हमारी अंश दायी बीमा योजना, तो 15 अगस्त 2000 में आई। इसके तहत 10 लाख बुनकरों व शिल्पकारों का बीमा सुरक्षा प्रदान करना था इसका उद्देश्य। अगली है जन रक्षा बीमा योजना 2003 में आई। इसका उद्देश्य था 1 रुपये प्रतिदिन भुगतान से चयनित व्यक्ति का निर्धारित अस्पताल में रुपये 30 कराने हेतु। अगली थी जय विकास नारायण गारंटी योजना 2002-03 में। इसका उद्देश्य था देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों व जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराना। अगली हमारी वंदे मातरम योजना 14 जनवरी 2004 में 4 में आई। इसका उद्देश्य था गरीब व पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगली है जननी सुरक्षा योजना 8 मार्च 2003 में आई। इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए बच्चों बच्चे के जन्म पर नगद सहायता उपलब्ध कराना। अगली है निर्मल ग्राम रोजगार योजना 15 अगस्त 2003 में। इसका उद्देश्य था स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना। अगली है हरियाली योजना 27 जून 2003 में आई। ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य था। अगली है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम, तो ये 15 अगस्त 2003 में आया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत सुविधा उपलब्ध कराना। अगली है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 में। इसका उद्देश्य था देश के पिछड़े राज्यों में 6 नए एम्स अस्पतालों को स्थापित करने हेतु। अगला है सामाजिक सुरक्षा पायलट योजना 23 जनवरी 2004 में आई। इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारिवारिक पेंशन, बीमा, चिकित्सा आदि सुविधा देना। अगली हमारी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना 3 दिसंबर 2005 में आई। इसका उद्देश्य था शहरी अवस्थापना विकास। अगली है भारत निर्माण योजना 2 फरवरी 2006, ग्रामीण अवस्थापना सर्वांगीण तथा विकास व्यापक विकास। अगली हमारी आम आदमी बीमा योजना 2007 में 6, 7, 8 में। इसका उद्देश्य था भूमि रहित ग्रामीण परिवार के मुखिया या आर्यजन व्यक्ति को की बीमा योजना। मनरेगा आई 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में। 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा चालू की गई। पहले इसका नरेगा बोला जाता था पहले, ठीक है। इसका उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना करने का अधिकार देना। अगला हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 1 अप्रैल 2009 में आई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना। अगला हमारा राष्ट्रीय राजीव आवास योजना 2010 में आई। इसका उद्देश्य था भारत को अगले 5 वर्षों में स्लम मुक्त बनाना। मिड डे मील योजना आई 1995 में। कक्षा 8वीं तक के बच्चों को उच्च पोषक तत्व युक्त दोपहर का भोजन उपलब्ध करा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। मनरेगा के बारे में बात कर लें, प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। इसके तहत 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वर्ष 2012 में मेहर साई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा दी गई सिफारिशों को मनरेगा 2 नाम दिया गया। मनरेगा 2 के अंतर्गत कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने, कार्य कुशलता में सुधार लाने व भुगतान व्यवस्था में देरी होने की समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाएगा। नोट, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 फरवरी 2013 को महाराष्ट्र में ठाणे जिले के पालघर
में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों और किशोरों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जानी थी। भारतीय कृषि की बात कर लें तो वर्तमान में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में 14% योगदान है और 2051 में जीडीपी का 55.4 था। भारत में श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि क्षेत्र से जीविका पाता है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। भारत की 52% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। यह बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि मतलब 52% होने का बाद 1951 से 2001 के दौरान कृषि श्रमिकों का अनुपात 20% से बढ़कर 27% हो गया है। कृषि क्षेत्र से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है जैसे सूती पटसन वस्त्र उद्योग चीनी चाय वनस्पति तथा बागान उद्योग ये सब कृषि पर निर्भर हैं। हस्तकरघा बुनाई तेल निकालना चावल घोटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। विनिर्माण क्षेत्र में उत्पन्न आय का 50% इस क्षेत्र से आता है। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः कृषि वस्तुएं ही है। मोटे तौर पर कुछ निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 15 से 20% है तथा कृषि से बनी वस्तुओं का अनुपात 20% है। कृषि भारत की परिवहन व्यवस्था का मुख्य अवलंब है क्योंकि रेलवे और सड़क मार्ग का अधिकांश व्यापार कृषि वस्तुओं को लाना व ले जाना है। अमेरिका रूस चीन के बाद भारत सकल उर्वरक उपयोग में विश्व का चौथा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर। हरित क्रांति के संबंध कृषि से क्षेत्र में उत्पादन तकनीक के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से इस क्रांति का श्रेय अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन वॉरलॉक और भारत के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने उत, करके उत्पादक बढ़ाने के कार्यक्रम को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का श्रेय भारत के डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। उत्पादन से संबंधित कुछ क्रांति देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार कृषि से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ये एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। भूरी क्रांति है जो चमड़ा गैर परंपरागत ईंधन कोको उत्पादन के लिए। सुनहरी है जो बाग शहद उत्पादन के लिए। सुनहरी होगी सुनहरा रेशा है जूट उत्पादन के लिए। सलेटी है खाद्य उत्पादन के। गुलाबी है प्याज औषधि झींगा उत्पादन के लिए। लाल है मांस टमाटर उत्पादन के लिए। वृत्ताकार है आलू उत्पादन के लिए। चमकीला रेशा है कपास उत्पादन के लिए। चमकीला है दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति है खाद्य तेल उत्पादन के लिए। अब बता दें कुछ भारत के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। कब इसकी स्थापना हुई? सूती वस्त्र की हुई थी 1818 में कोलकाता में। जूट कारखाना है तो जूट कारखाना बना अपना ये 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में पहला। लोहा इस्पात 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। चीनी उद्योग लगा 1900 में बिहार में। सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई मद्रास में। साइकिल उद्योग 1918 में कोलकाता में पहला। कागज उद्योग 1812 में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में। उर्वरक 1906 में तमिलनाडु में। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात देख लेते हैं। कारखाने राउल किला उड़ीसा में है जी। ये बता दें हम कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। 1959 में उत्पादन शुरू हुआ इससे। भिलाई है मध्य प्रदेश में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और ये 1959 में उत्पादन शुरू हुआ है यहाँ से। दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था बैटन की सहायता से। 1962 ईस्वी में इसमें उत्पादन चालू हुआ शुरू हुआ। बोकारो है झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू किया गया था रूस की सहायता से। वर्ष 1973 में
उत्पादन इससे आरंभ हुआ। बरनपुर पश्चिम बंगाल में निजी क्षेत्र संयंत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिग्रहित यंत्र संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लागू रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। सलेम में तमिलनाडु में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। भद्रावती कर्नाटक में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था इसको। और विजयनगर है जो कर्नाटक, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये भी स्थापित किया गया था। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों औद्योगिक उपक्रम देख लेते हैं। हिंदुस्तान कार्बनिक रसायन लिमिटेड रसायनी महाराष्ट्र में है। भारतीय दवा एवं औषधि लिमिटेड ऋषिकेश उत्तराखंड में। एंटीबायोटिक संयंत्र संश्लेषित दवा परियोजना हैदराबाद में। सर्जरी उपकरण संयंत्र चेन्नई महाराष्ट्र। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये पेम्प्री पेम्प्री महाराष्ट्र में। हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड ये अलवाय केरल एवं दिल्ली में। भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड ये नकल पंजाब सेंद्री झारखंड ट्रांबे महाराष्ट्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश नामरूप असम दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। भारी जल संयंत्र है नेवेली तमिलनाडु नाहर कटिया असम राउरकेला उड़ीसा ट्रांबे महाराष्ट्र। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड है हैदराबाद में। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली कर्नाटक और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड रामचंद्रपुर आंध्र प्रदेश तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय हैवी प्लेट एवं वेसल्स लिमिटेड ये विशाखापट्टनम में। सेंट्रल मशीन टूल्स बेंगलुरु में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है चितरंजन वेस्ट बंगाल में। कोचीन शिपयार्ड है कोची में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है मरवाड़ी वाराणसी में। गार्डन रिच वर्क शॉप लिमिटेड है कोलकाता में। वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है बेंगलुरु में। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये भोपाल में। भारी मशीन निर्माण संयंत्र रांची में। भारी वाहन कारखाना अघाड़ी तमिलनाडु में। हिंदुस्तान केबल्स कारखाना ये रूप नारायणपुर वेस्ट बंगाल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये जहा जलाहली कर्नाटक बेंगलुरु के समीप पिंजोर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। कलाम सारी केरल में। हिंदुस्तान शिपगार्ड विशाखापट्टनम एवं कोची में। भारतीय टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु नैनी रायबरेली उत्तर प्रदेश मानकपुर गोंडा उत्तर प्रदेश में। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है कोटा राजस्थान पलक्कड़ केरल में। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है पेरामूर तमिलनाडु कोटकपुरा पंजाब। अब भारत की मशीन टूल निगम अजमेर राजस्थान में। मशीन टूल मॉडल कारखाना अंबरनाथ मुंबई। मजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई। खनन एवं संबद्ध उपकरण निगम लिमिटेड दुर्गापुर। नाहन दलाई खाना सिरमौर हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय उपकरण कारखाना कोलकाता प्राग टूल्स कॉरपोरेशन हैदराबाद निगम लिमिटेड में। तुंगभद्रा इस्पात उत्पादन लिमिटेड तुंगभद्रा कर्नाटक में। तुंगभद्रा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर राजस्थान। भारत एल्यूमिनियम मिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा मध्य प्रदेश रत्नागिरी महाराष्ट्र। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अग्नि कोडला आंध्र प्रदेश डारीवा राजस्थान मलाजखंड मध्य प्रदेश राखा झारखंड। भारत रसोई कोयला लिमिटेड धनबाद झारखंड। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कोलार कर्नाटक। कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड कोलकाता में। नेवेली लिगनाइट निगम नेवेली में। जस्ता पेगलक जवार में। राष्ट्रीय कागज कारखाना लिमिटेड ये नेपानगर में। भारतीय तेल शोधक लिमिटेड बरौनी में बिहार में। और अब है कोचीन तेल शोधक कारखाना न्यूमाटी असम में। अब देखते हैं कोयली तेल शोधन कारखाना कोची में। भारतीय विस्फोटक कारखाना गोमिया हजारीबाग झारखंड में।
हिंदुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड तमिलनाडु में। अब भारत की नवरत्न कंपनी देख लेते हैं। विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए वाले देश के 17 सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने देश के नवरत्नों के रूप में मान्यता दी है। इन्हें 1,000 करोड़ रुपये तक की सौदे करने की स्वायत्तता भी सरकार द्वारा दी गई है। इसमें शामिल है नेवेली निग्नाइट कॉरपोरेशन, दूसरा है वायल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है राष्ट्रीय स्थाव निगम लिमिटेड, चौथा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पांचवा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवा है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, सातवा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, आठवा है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नौवा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दसवा है पावर फाइनेंस लिमिटेड, ग्यारहवा है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बारहवा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तेरहवा है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौदह है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पंद्रहवा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, सोलहवा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सत्रहवा है नेशनल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेट लिमिटेड। अब नोट देख लो, यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड, भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल और तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया गया। इससे इनके पास ज़्यादा वित्तीय और परिचालन संबंधी स्वायत्तता होती है। इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रमुख कंपनी बनने में मदद मिलेगी। भारतीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कर व्यवस्था देख लेते हैं। पहले भारत सरकार को करों से समस्त राजस्व प्राप्ति होती है। करों के प्रकार हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं। ऐसे कर जो प्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी गई है जिसकी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वो कानूनी रूप से लगाया जा सके। ठीक है, जैसे आपको बता दें कि हमारे ऊपर जैसे कोई कर लगाया जाए और इसका भुगतान मैं ही करूं तो इसे डायरेक्ट कर बोला जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर व्यक्तियों अविभाजित हिंदू परिवारों संस्थाओं की आय पर, निगम कर कंपनियों की आय पर, धन कर एस्टेट ड्यूटी संपदा शुल्क उपहार कर व्यय कर ब्याज दर, राज्य सरकारें होटल प्राप्ति पर कर, भू राजस्व भूमि कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, रोजगारों पर कर, खाय परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे करों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की संज्ञा दी गई है जिन्हें दूसरे व्यक्ति पर डाला जाता है। केंद्र सरकार सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, राज्य सरकार ने बिक्री कर, व्यापार कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, स्टाम्प पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर, वस्तुओं यात्रियों पर परिवहन, विद्युत पर शुल्क, गन्ने की खरीद पर, उपकरण प्रवेश कर, विज्ञापन, शिक्षा उपकर, शिक्षा पर, कच्चे छूट पर और सट्टेबाजी। यहाँ नोट देख लेते हैं। भारतीय कृषि शुल्क, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, बिक्री कर हिस्सा है भारत में, पढ़ लेना।